यहाँ से व्यू देख सकते गाइस आप। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। उम्मीद है आप सब ठीक है। सिन कुछ ऐसा है, अभी बज रहे शाम के 2 और मैं इस समय ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि आज का छोटा सा प्यारा सा बहुत ही फेमस जगह पे आपको ले चलने वाले जो कि हमारे गांव से बिल्कुल करीब है। आज हम चलने वाला है फामरंग वाटरफॉल जो कि बहुत फेमस है और वेस्ट सिक्किम का लॉन्गेस्ट वाटरफॉल है, तो वहाँ जाना तो बनता ही है। तो चारों तरफ जंगल ही जंगल नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल हरा भरा। और इस महीने को घूमने के लिए जो भी प्लान बना रहे होंगे सिक्किम आने के लिए, उनके लिए एकदम बेस्ट मंथ है ये मंथ के बीच में। कम से कम रेनी सीजन भी बहुत जाम के हो जाता है इसके लिए, तो ये मंथ या इससे पहले वाले मंथ जो था उसमें बहुत बेस्ट रहते आप सिक्किम टूर करने के लिए प्लान बना रहे होंगे। तो फिलहाल आगे का भी सीन कुछ इस तरह का ही देख सकते हैं, बिल्कुल जंगल ही जंगल है। आपको नदी भी थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा होगा, यहाँ संभाल के चलना पड़ेगा मुझे। तो मिलते हैं वहाँ चलकर और थोड़ा बहुत रास्ते पे जो भी दिखाई देगा आप सबसे मैं जरूर शेयर करूँगा, आप सबसे दिखाऊँगा। तो ढेर सारा प्यार दीजिएगा सिक्किम वाला को ताकि इसी तरह के सोलो ट्रिप एडवेंचर से रिलेटेड ऑर्गेनिक फ्लेवर आपको मिल सके। तो मुझे बिल्कुल संभाल के चलना होगा, यदि पेड़ फिसला तो बहुत ज़ोर से गिरेंगे। कुछ इस तरह से है, देख सकते हैं मेरे पीछे छोटा सा नाला है, इस तरह से पूरा बह के आ रहा है क्योंकि अभी बरसात के मौसम है, इसीलिए ये छोटे छोटे नाले भी आ जाते हैं। लेकिन अक्सर ये 12 महीना ये नाला नहीं रहता है, देख सकते हैं आपके लिए गाइस इतना मेहनत करना पड़ रहा है। और 2 दिन से बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, तो मौसम थोड़ा अभी का मौसम थोड़ा खुला हुआ है। और मैं जैसे ब्लॉग करने के लिए निकला तो बिल्कुल धूप भी थोड़ा बहुत आ गया था, तो मौसम थोड़ा मौका का फ़ायदा उठाना चाहिए। तो आप सभी से मैं सोच ही रहा था कि आपको मैं एक फामरंग फॉल्स का भी जो कि बहुत प्यारा जगह है, आ गया हूँ अपने विलेज के छोटे से रिवर में और यहाँ से आपको थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा होगा पीछे। आपको थोड़ा बहुत सिनेमेटिक शॉट भी दिखाए, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। यहाँ से बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं, थोड़ा बहुत वॉइस क्वालिटी में आपको कमी नज़र आ रहा होगा क्योंकि पीछे से बैकग्राउंड साउंड नदी का आ रहा है। तो देख सकते हैं गाइस पीछे मेरे बिल्कुल वहाँ से थोड़ा ऊपर से यहाँ तक है। और अभी बारिश का सीज़न है, तो बारिश के सीज़न में ये और ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि ऊपर से पानी पूरा इकट्ठा होकर आता है। और पीछे का भी देख सकते हैं आप, पीछे भी देख सकते हैं गाइस बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, बहुत ही क्लियर है। अभी और चलना है मुझे बहुत ज़्यादा दूर, कम से कम अभी मैंने आधा से कम ही रास्ता कवर किया है, तो मुझे और जल्दी जल्दी चलना पड़ेगा क्योंकि शाम भी हो रहा है तो बारिश भी कभी भी आ सकता है। तो अभी मैं चल चुका हूँ, देख सकते हैं पीछे थोड़ा बहुत रिवर और फिलहाल के नज़ारे आप देख सकते हैं चारों ओर। जल्दी जल्दी चलना पड़ेगा मुझे क्योंकि अभी किसी भी वक्त बारिश आ सकता है, तो बारिश आ गया मीन्स पूरा प्लान चौपट हो जाएगा क्योंकि बारिश आने के बाद इस तरह पहाड़ों में चलना थोड़ा खतरा हो जाता है क्योंकि जो सूखी लकड़ी है वो कभी भी गिर सकते हैं हमारे ऊपर। पूरे के पूरे आधे घंटे के रास्ता कवर करने के बाद मैं अभी अपने विलेज के रोड पे पहुंच चुका हूं, जो कि पीछे देख सकते हैं आप बहुत ही प्यारा नज़र आ रहा होगा। लगता है कि मुझे कम से कम 7 या 8 मिनट ही लगेगा वहाँ पहुँचने के लिए फॉल्स में। तो और यहाँ आने के और एक बेनिफिट क्या है, तो यहाँ से जो हमारा विलेज है वो पूरा दिखाई देता है और यहाँ से बहुत ही क्लियर दिखाई देता है। तो यहाँ से देख सकते हैं आप कुछ इस तरह का रास्ता है और यहाँ से देख सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से मैं अकेला ही हूँ, सोलो ही हूँ, तो इसी तरह के एडवेंचर करने में थोड़ा ज़्यादा और मज़ा आता है, एक्साइटमेंट लेवल होता है, थोड़ा डर भी रहता है मन में, लगा रहता है कि क्या होगा कैसा होगा। तो असली एडवेंचर का तब महसूस होता है, मुझे ऐसा लगता है, अपने अपने ओपिनियन कह सकते हैं आप भी। और फिलहाल तो देख सकते हैं आप चारों तरफ बिल्कुल हरा भरा और इस तरह से शांति और इतना गाड़ी भी नहीं होते। और यहाँ से हमारा गांव का थोड़ा सा पार्ट दिखाई दे रहा है, आपको दिखाना चाहूँगा मैं कुछ इस तरह से देखते हैं उस पर, आपको यहाँ से दिखाना चाहूँगा आपको। यहाँ है हमारा नीचे नदी और यहाँ से देख सकते हैं पूरा जंगल ही जंगल। आपको जो पहाड़ दिखाई दे रहा होगा उस पर वो सब हमारे गाँव के पार्ट है, ये कुछ इस तरह का दिखता है। और अभी जो इतना क्लियर क्यों नहीं है, तो आज का सुबह से मौसम बारिश का था और अभी थोड़ा चल के खुला हुआ है, तो मौसम बहुत सुहाना है कह सकते हैं। अब इंतज़ार नहीं हो रहा है, वहाँ जाके आपको दिखाता हूँ थोड़ा बहुत कैसा है क्या है। और उम्मीद करता हूँ कि कोई ख़तरा ना हो क्योंकि ऊपर से पत्थर भी गिरता है, तो आपके लिए थोड़ा बहुत रिक्स लेके मैं जा भी रहा हूँ। और पीछे का भी आप देख सकते हैं सीन, पूरा बिल्कुल प्लेन रास्ता है यहाँ से।
है हमारा, और इसके पीछे देख सकते हैं कि इस तरह से ये बड़े बड़े चट्टानों को काट के बनाए गए हैं। ये कभी भी गिर सकते हैं, कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर है, देख सकते हैं बहुत ही खतरनाक है। आपको थोड़ा करीब से दिखाता हूँ, देख सकते हैं पूरे यहाँ से लेके वहाँ तक, यहाँ रोड है और यहाँ रोड है, देख सकते हैं उसके ऊपर, देख सकते हैं आप कुछ इस तरह से पूरे चट्टाने चट्टाने। तो सिक्किम पे और जितने भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया पे आप कहीं भी चले जाएंगे तो इसी तरह का रोड मिलेगा, लेकिन इस जगह पे राइड करने का, इस जगह पे ट्रैवल करने का कुछ और ही महसूस होता है। आप चारों तरफ देख सकते हैं, नीचे खाई है और ऊपर चट्टाने और चारों तरफ हरा भरा, मज़ा कुछ और ही रहता है। अभी मैं पहुंचने वाला हूं, थोड़ा और मुझे चलना पड़ेगा, 2 या 3 मिनट मैं जा रहा था। और यहां देख सकते हैं बहुत ही खतरनाक कुछ दिखाई दिया मुझे, लगता है कि गुफा है, बहुत ही खतरनाक सीक्रेट गुफा, देख सकते हैं गाइस। आपको मैं दिखाना चाहूँगा कुछ इस तरह से चट्टान से बने हुए, मैं कोशिश करता हूँ आपको पास से दिखाने की, कोई खतरा ना हो। बस देख सकते गाइस बिल्कुल अंधेरा है, और मुझे लगता है उस पार हम चाहे तो जा भी सकते गाइस, लेकिन कोई खतरा नहीं लेना चाहता हूँ, मैं अकेला भी हूँ। पता चला कि अंदर जाके फंस गए, फिर चिल्ला रहे, कोई सुन ही नहीं रहे। यदि कोई पार्टनर होता तो मैं इसको पार करके एक बार ट्राई कर लेता कैसा क्या है, लेकिन देख सकते गाइस इतना खतरनाक है। यहाँ से देख सकते हैं व्यू मेरे पीछे के, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये छोटा वाला है और बड़ा वाला इस साइड है। गाइस मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि वहाँ देख सकते हैं, मुझे पता नहीं कि आपको कैमरे पे कितना मज़ा आ रहा होगा, लेकिन गाइस जो फिजिकली आप इस चीज़ को देखते हैं ना, इसी प्यारे से सीन के लिए कितने दूर से लोग आते हैं, और हमारे घर के पास इस तरह के वाटरफॉल, नेचुरल वाटरफॉल बहुत ज़्यादा है गाइस। लेकिन क्या है कि हम लोगों को मौका नहीं मिलता, या देखते देखते इतना थक जाते हैं कि इनको देखने का मन नहीं करता है। लेकिन चीज़ों को मायने तरीके से, चीज़ों को धीरे से ऑब्जर्व करें तो बहुत ही बेहतरीन है गाइस। और जो वहाँ के पानी है, यहाँ तक भी थोड़ा बहुत महसूस कर पा रहा हूँ। गाइस जिस चीज़ के लिए मैं बहुत दूर से चल के आया था आपको दिखाने के लिए, बहुत ही अमेजिंग क्रेजी से सीन, तो आप रहा नहीं जाता, आपको दिखाते हैं। ओह माय गॉड, वाह गाइस, यहाँ से व्यू देख सकते हैं गाइस आप, बहुत ही क्रेजी सीन है गाइस। हमारे छोटे से सिक्किम वाले फैमिली के जितने भी मेंबर हैं, आउट ऑफ स्टेट से भी देख रहे हैं, तो उनको मैं जरूर रिकमेंड करूंगा कि आप यदि आप फ्यूचर में कभी सिक्किम आने की प्लान कर रहे हैं तो इस जगह को कभी मिस मत करिएगा। इसका लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, मैं आपको इस जगह के पूरे डिटेल दे दूंगा, आप जाके चेकअप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में और भी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।